गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका चौबे क्लास 8 का हिंदी में पढ़ाने जा रही हूँ रीडर सेंट्रल पब्लिक एकेडमी से। कल मैंने बेटा आप लोगों को पढ़ाया था जो है कि चैप्टर था तीसरी छींक, ठीक है, लेसन 4 का। तो मैंने पार्ट का आधा अंश तो पढ़ा दिया था, आधा अंश रह गया था, ठीक है। तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। जो है कि जो छींक के लिए वो जाता है, पूछता है पंडित से कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे पता चल जाए कि मैं कब मरने वाला हूं। तो पंडित उसकी व्यग्रता देखते हुए कहते हैं कि 3 छींक जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन तुम मर जाओगे, और बहुत रोकने पर भी इसकी जो है कि क्या बोलते हैं 2 छींक इसको आ जाती है, अब 1 छींक रह जाती है, ठीक है। देखिएगा, लखन ने मन ही मन कहा, हाय राम, अब तो ज़िंदगी और मौत के बीच सिर्फ 1 छींक का ही फासला रह गया। यह सारी गड़बड़ी नहाने से हुई, अब कल से नहाना बिल्कुल बंद। जान है तो जहान है, भला नहाए बिना कौन सा ज़रूरी काम रुक जाएगा, ठीक है। और कहता है कि अब मैं नहाऊंगा ही नहीं, क्योंकि दूसरी छींक इसको नहाने से आती है, पहली छींक इसको भूसा निकालने की वजह से आती है जानवरों के चारे से, तो चारा डालना बंद कर देता है। अब दूसरी नहाने से आई तो अभी नहाना बंद कर देगा। कहता है 2 दिन ठीक ठाक बीते, तीसरे दिन बिना नहाए शरीर खुजलाने लगा, लेकिन लाखन ने कोई परवाह न की। तभी बहुओं ने उसे समझाया कि घर में आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया, उसके दोनों बेटे सवेरे ही खेत पर चले गए थे, वे तो शाम को देर तक ही लौटते, आटे के बिना शाम को उपवास करने की नौबत आ सकती थी। विवशता के कारण वह अनाज का बोरा लेकर आटा चक्की पर गया और चक्की के बाहर एक पेड़ की छाँव में बैठकर अपना अनाज पीसने की प्रतीक्षा करने लगा, ठीक है। अब आटा ख़त्म हो गया, बहू ने कहा आटा ख़त्म है तो ये चक्की पे लेके जाता है क्योंकि बेटे नहीं रहते हैं, और आटा पीसने का इंतजार करने लगता और बाहर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और आगे देखिएगा, बैठे बैठे अचानक उसके मन में आया, कहीं ऐसा ना हो कि चक्की का मालिक उसके आटे में घटिया आटे की मिलावट कर दे, फिर क्यों ना अपने अनाज की पिसाई अपने सामने ही कराऊं। उसके मन में आता है कि कहीं आटा में मिलावट ना हो जाए, इसलिए अपने अपने सामने ही पिसवाऊंगा। वह फौरन आटा चक्की पर पहुंचा, एक बड़े कमरे में आटा चक्की चल रही थी, वहाँ कोई खिड़की न थी जो ताज़ा हवा भीतर आ जाती, ढेर सारी धूल गर्द वहाँ उड़ रही थी। और कहते हैं कि आटा चक्की के अंदर गया, चक्की वाले के शॉप पे, तो वहाँ पे कोई खिड़की नहीं थी जिस कारण आटा उसमें पिसा रहा था, तो अंदर ही अंदर धूल जो है कि क्या बोलते हैं उमड़ रही थी। कहता है यूँ तो वहाँ सांस लेना भी दूभर था, लेकिन आटे में मिलावट ना हो जाए इसलिए वह वहाँ पे डटा रहा। हर बार सांस लेने में ढेर सारी गर्द उसके नथनों में भर जाती, और जब धूल उड़ती है या किसी भी चीज़ का डस्ट होता है जब आप सांस लेते हैं तो वो नाक में आपके भरते जाती है। कहता है लेकिन ईश्वर की कृपा से कोई गड़बड़ी नहीं हुई। आटे का बोरा लेकर वह चक्की से बाहर निकला ही था कि बिना कोई सूचना दिए अचानक नाक से आ छी का गोला दाग दिया। वह तीसरी और आखिरी छींक थी, और कहता है कि लेखक कहता है कि वो जो तीसरी छींक इसने बचाई थी उस धूल की वजह से इसको बिना, जैसे कि नहाते वक्त और भूसे के टाइम इसको तो पता चल जाता है कि इसको छींक आने वाली है, लेकिन इस बार बिना पता चले इसको छींक आ जाती है। और तीसरी आखिरी छींक थी, तीसरी छींक माने मौत की घंटी पंडित के कहे अनुसार। कहता है हाय मैं मर गया, कहकर लाखन खड़ा खड़ा धड़ाम से गिर पड़ा, उसके कंधे पर लदा आटे का बोरा भी उसके साथ ही नीचे आ गिरा। और कहते हैं कि वो कहता है लाखन खड़ा खड़ा धड़ाम से नीचे गिर जाता है, और उसके कंधे पर जो लदा हुआ आटे का बोरा था वह भी नीचे आ गिरा। सामने से भागते हुए 2 कुत्ते आए और दोनों ने उसे घूम फिर कर सूंघा, बारी बारी से एक टांग उठाकर कुछ शैतानी करना चाहते थे। लाखन गुस्से से दांत चबाते हुए चीखा, शैतान के बच्चे मैं मर गया हूँ तो तुम्हारी इतनी हिम्मत। और कहते हैं कि सामने से 2 कुत्ते आते हैं, ये तो उसी शौक में गिरा कि मैं तो मर गया हूँ, कुत्ते आके इसको सूंघने लगते हैं, इसको गुस्सा आती है। कहता है कि वो सब टांग वांग बार बार छूने छाने लगते हैं कुत्ते, कुत्तों को तो होता ही है, शैतानी वाला मन होता ही है उनका, तो गुस्सा आता है। कहता है मैं मर गया हूँ तो तुम मेरे पास आ रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। कहता है मैं जिंदा होता तब तुम्हें देखता मैं कि तुम मेरे पास कैसे फटकते। और कहता है अगर यदि मैं जीवित रहता तब तुमको बताता। कुत्ते एक बार को ठिठके, फिर उन्होंने लाखन के पास पड़े हुए आटे के बोरे की ओर रुक किया, पहले उसे सूंघा फिर धीरे धीरे बोरा फाड़ना शुरू कर दिया। लाखन पढ़ा पढ़ा चिल्लाया, अरे शैतान के बच्चों तुम भी मेरे मरने का नाजायज फ़ायदा उठा रहे हो, आटा देखा
उसी आटे के चक्कर में तो इनको तीसरी झीक आई थी। अब आटे देखते हैं तो कहते हैं कि मेरे मरने का तुम लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो और तुम लोग उसको छू रहे हो। चिल्लाता है और कहता है कि मैं जिंदा रहता तो फिर तुमको ऐसा सबक सिखाता कि तुम ज़िंदगी भर याद रखते, शैतान की औलाद कहीं के भाग जाओ यहाँ से। उसका चिल्लाना सुनकर चक्की का मालिक डंडा हाथ में लिए निकला व लाखन को बाहर पड़ा देखकर बोला, तुम यहाँ क्यों पड़े हुए हो? कहता है, अरे तुम भी नहीं जानते, मुझे तीसरी छींक आ गई, मैं मर गया हूँ। लाखन ने लेटे लेटे कहा तो कहता है, अच्छा तुम मर गए हो? कहता हाँ हाँ मैं मर गया हूँ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? कहता है भैया तुम देखते नहीं, ये शैतान कुत्ते मेरे आटे का बोरा फाड़ रहे हैं, मैं जिंदा होता तो इन्हें अपने आप भगा देता, मैं तो मर गया हूँ, क्या कर सकता हूँ, तुम मेहरबानी करके यहाँ से इन्हें भगा दो। कहता है कि जब चक्की वाला पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम तो मर गए हो, कहता है कि यही मेरे आटे को बचा लो, नहीं तो मैं तो मर गया हूँ, मेरे आटों को ये बर्बाद कर रहे हैं, मैं जिंदा होता तो करता। कहता है ये मेहरबानी करो। कहता ठीक है भगाए देता हूँ। यह कहकर चक्की के मालिक ने डंडे से मार मार उन कुत्तों को भगा दिया। फिर किसान से बोला, लो तुमने तो नहीं कहा पर बिना कहे ही तुम्हारी थोड़ी मदद और किए देता हूँ। यह कहकर उसने चक्की वाले ने तड़ाक तड़ाक करके 5-6 जोरदार डंडे लाखन के पीठ पर जमा दिए और कहता है चक्की वाला कि तुम तो कहे नहीं लेकिन थोड़ी तुम्हारी मदद कर देता हूँ और कर देता हूँ, कुत्ता तो मैंने भगाए दिया। और लाखन को उसने 5-6 डंडे मारे और डंडे लगते ही लाखन बिजली सी फुर्ती से उछल कर खड़ा हुआ। चक्की वाले से बोला, शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे फिर से ज़िंदा कर दिया। और कहता है, शुक्रिया तुमने मुझे डंडे से मारा जिसके कारण मैं ज़िंदा हो गया। कहता है, भैया तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी न करते तो मैं अब तक मरा पड़ा रहता। और कहता है, अगर तुम मुझे नहीं मारे होते, ये मेहरबानी नहीं करते तो मैं मरा रहता। फिर लाखन आटे का बोरा कंधे पर लाद कर खुशी खुशी अपने घर आया। वह अब तक जिंदा है और सबसे यही कहता है कि वह तीसरी छींक के बाद मर गया था। मूर्ख तो था, पहले ही लेसन में बता दिया जा चुका है। और कहता है, तीसरी छींक के बाद मैं मर गया था लेकिन चक्की वाले ने मुझे फिर से ज़िंदा कर दिया है। तब से उसे सैकड़ों छींक भी आ चुके हैं लेकिन वह भला चंगा है और वह अभी तक मरा नहीं है। तो बेटा, इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि आपको अंधविश्वास से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरना जीना ये किसी पंडित, डॉक्टर, वैद्य या किसी के हाथ में नहीं होता है, ये ऊपर वाले के हाथ में होता है। और आप ये सोचिए कि हमको पता चल गया, हम एक साल बाद मर जाएंगे, किसी ने कह दिया, तो आप सब कुछ अपना सिस्टमेटिक करिए और आप मरने के लिए अपना बैठ जाइए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सांसें गिनती की होती हैं, जिस दिन आपकी सांसें पूरी हो जाएंगी आप उस दिन मर जाएंगे। और पाखंड में पड़ के आप अपना या अपने घर वालों का या आसपास आप किसी चीज़ का नुकसान बिल्कुल ना करें, ठीक है।